अरिजीत को एक खबर मिलती है कि रमन ने अपनी याददाश्त खो दी है और इस तरह वे उसे मारने का विचार छोड़ देता है। अरिजीत की योजना है कि वो अपने खिलाफ रमन आघात का उपयोग करें और रमन को अपने ही परिवार के खिलाफ काम करने दे। भल्ला परिवार रमन चेहरा बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि उससे सच्चाई बदल सके और इस तरह उसने सभी दर्पणों को छिपा दिया। जबकि अरिजीत कुछ अलग स्पर्श पर है क्योंकि यहाँ उसकी एक बड़ी योजना है और वह रमन के दिमाग और भल्ला परिवार के साथ खेलने के लिए घर पहुँचता है। अरिजीत रमन को अपने चेहरे के बदलाव के बारे में सच्चाई सिखा देगा और इस तरह बड़ा नाटक सामने आएगा। रमन वापस भल्ला घर आ जाता है जबकि भल्ला परिवार उस अजीबपन को महसूस कर रहा होता है। इधर करण ने इस बात पर इशिता से कहा कि उसे नहीं लगता कि ये आदमी रमन है, जबकि यहाँ शो चौंकाने वाला मोड़ लेने वाला है क्योंकि अब रमन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आएंगे। रमन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कुछ और कहेगी और ये स्पष्ट कर देगी कि वे रमन नहीं है।